साथियों जय किसान में रवि आजाद। साथियों डीएपी के समय जब किसानों को डीएपी की जरूरत थी तो हरियाणा सरकार फेल साबित हुई और किसानों को खून के आंसू रुलाया गया। उसी प्रकार से अब नंबर यूरिया का आ चुका है। सुबह 5 बजे से लाइनें लगनी शुरू होती हैं। अगर किसान विरोध करें तो उनको पुलिस के लाठी डंडों से पिटवाया जाता है। अमूमन हर किसान को इस समय कम से कम 4 से 5 बैग यूरिया की जरूरत है। जबरदस्त यूरिया की डिमांड है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। किसान लाइनों में लगा हुआ है, यूरिया नहीं मिल रही है, और कहीं मिल रही है एक आधा बैग तो फिर उसकी लूट हो रही है या यूरिया के साथ और सामान जबरदस्ती किसानों पर थोपा जा रहा है और उनकी लूट की जा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल कहते हैं कि हरियाणा में यूरिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो यूरिया है कहाँ, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनकी खुद की विधानसभा लोहारू में कल भी एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा कि कितनी लंबी कतार सुबह 5 बजे से लगी हुई है, और केवल लोहारू विधानसभा का नहीं, हरियाणा के प्रत्येक जगह पर यही देखने को मिल रहा कि किसान परेशान है और सरकार गायब है। प्रशासन की नाक के नीचे बीजेपी के लोग सरे आम ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं यूरिया की, और किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं, उनको सताने का काम कर रहे हैं। हम हरियाणा की खट्टर सरकार को, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को ये स्पष्ट और सीधी चेतावनी देना चाहते हैं कि वो तत्काल किसानों को यूरिया उपलब्ध कराएं जरूरत के अनुसार, और जो ये लूट हो रही है इस लूट को तत्काल बंद करें, कार्रवाई करें, अन्यथा आंदोलन होगा और आंदोलन की शुरुआत लोहारू विधानसभा से करेंगे। इस प्रकार से ना किसानों को परेशान होने देंगे, ना उनकी लूट होने देंगे। सरकार तैयार रहे आंदोलन झेलने के लिए और या फिर यूरिया उपलब्ध कराए बगैर किसी लूट के। इस वीडियो को साथियों शेयर करें, सबका बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। सिरसा में खुल चुका है आशीर्वाद बुटीक। हमारे यहाँ पर लेडीज की ऑल सीजन कलेक्शन अवेलेबल है, जहाँ वन पीस गाउन, शरारा, प्लाजो सूट, कुर्ते टॉप, नाइट सूट, वूलन कुर्ती, पार्टी वियर, ड्रेसेस सभी अच्छी क्वालिटी के साथ सस्ते रेटों में उपलब्ध है। आप भी एक बार जरूर आकर देखें गली पंजाब नेशनल वाली, रोड़ी बाजार, सिरसा।